दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत मडाहार गांव में एक नवविवाहिता के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामला है दमोह जिले के मडाहार गांव, जहां पर एक 20 वर्षीय महिला पति हल्लू पटेल के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया, जिसमें उसके पति और भाई के अलग अलग तर्क आए हैं। पुलिस के द्वारा पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। यहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। 3 बजे निकली थी घर से रात को और 8 बजे मिली, सीधी फांसी लगाई थी। वो तो कहाँ पर लगाई है? मुझीरिया में लगाई है। क्या कोई टेंशन वगैरह, कोई विवाद? कोई टेंशन नहीं था। क्या हुआ था? उसके लिए थोड़ी सी डिलीवरी हुई थी ना, इसलिए उसका थोड़ा सा दिमाग क्रैक सा हो गया था। 2 दिन मनीष पटेल के यहाँ भर्ती भी करे रहे, पैसा ना था इसलिए छुट्टी करवा ली। जब पैसे की व्यवस्था कर रहे थे, कर ली थी, आज हम लोग को जबलपुर जाना था, इसलिए रात के वो पेशाब के बहाने निकली और बाहर से दोनों कुंडी फंसा दी। कितने दिन पहले डिलीवरी हुई? 19 तारीख को डिलीवरी हुई थी। क्या कोई दवा वगैरह उसमें कहीं चूक मानते हैं, क्या मानते हैं किस वजह से? दवा वगैरह तो अपन नहीं जानते हैं, अपन को जो पता था उसका थोड़ा सा मांड घुमा था। डिलीवरी के पहले से थी? बाद में, 3-4 दिन बाद में हुआ है। क्या पूरा घटना? मामला ये है कि जो पूनो कड़ गई उस दिए इसको, इनको बहन को हमारी डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी हो के वो ठीक थी, फिर वो अचानक उनकी तबीयत खराब आई। तबीयत खराब होने के बाद हमको मनीष पटेल के यहाँ उनको भर्ती कराया, वो ठीक हुई, फिर जबलपुर भेज दिया। जबलपुर से शाम को भेज दिया उनने हटा, फिर के दमो से कल वो हटा गई थी, वो ठीक थी, सब कुछ चीन रही थी, हर चीज़ हटा, सब ठीक। लेकिन हम लोग उधर से वो बोलने लगे कि जा रहे हम लोग जा रहे, सो हम लोगों ने बोला हमारी मम्मी और हमारा बड़ा भाई कल हम लोग संगे चल रहे हैं। सुबह बोलने लगे हाँ तुम लोग को नहीं चला, मतलब बहन हुई हमारी, तो कहने लगे कोई नहीं चलो हम लोग चले जाएंगे। हमारी माता और हमारे भाई बोलने लगे कि हम चल रहे हैं संगे चल रहे हैं, हम लोग तबीयत ठीक नहीं हम चल रहे हैं संगे, लेकिन वो बोलने लगे कि हम नहीं ना हाँ तुम लोग ना चलो हम चल रहे हैं हम लोग चले जाएंगे। और शाम को चले आए, इनने 3 बजे फ़ोन लगाया कि वो घर में है नहीं और घर से गोल हो गए हैं, घर से गोल हो गए। हमारे भाई हमारी माता और हमारा मंझला भाई सब लोग आए इधर, इनको देखा तो 8 बजे वो हम कुआ पे टंगी मिली, और कपड़े जो पहने थे वो साल वगैरह थे, चूड़ी वगैरह थी, और बोलने लगे कि 2 लाख रुपए लेके गए हैं। तो वो 2 लाख तो नहीं मिली, 90 रुपया मिली, और पायले चांदी की पायले मिली छोटी सी 1000 रुपये की, और साल मिला और फांसी लगी मिली जी झिरिया पे। मायके से कब आई थी? मायके से कल शाम को 4 बजे, मतलब मायके नहीं गई, मायके से दूसरी जगह दवाई को गई थी। मायके ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है जहाँ जी दवाई हो गई थी, उधर से 1 किलो मायके से नहीं गई। सो मायके से परिवार आया, उनका भाई आ गए हम लोग, और सब आए, सो भाई को बोला मम्मी को बोला कि तुम लोग चले जाओ। सो मम्मी से बहनों ही बोलने लगे तुम लोग कोई नहीं चलो सब ठीक है हम लोग जा रहे हैं। और जाने के बाद जी आ गए इधर, उधर इनने ऐसा काम कर दिया और 3 बजे रात के फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा काम हो गया और घर में है न डगार पे चढ़ तो नहीं बनने, और जहाँ इनने फांसी लगाई इनने चढ़ तो नहीं बनने, उधर अपन जैसे नहीं चढ़ सकते, फिर वो तो महिला है। मानसिक रूप से विकलांग बता रहे हैं? नहीं, जो कुछ नहीं था, जो कुछ नहीं, अभी शादी को ज़्यादा दिन नहीं भाई, 2 साल हुए हैं शादी को।